गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम कॉर्डिसेप्स की लैब में हैं. दैट इज आवर न्यू लैब बनी हुई है, न्यू लैब ऑफ कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज. और हम ओजस फार्म में हैं. इस कंपनी का नाम ओजस फार्म है. अब आप देख सकते हैं कि दिस वन इज आवर प्रिपरेशन रूम. ये प्रिपरेशन रूम है जिसमें की बॉक्सेस हैं, पीडी है और पीडीए है, वो प्रिपेयर होगा. और ये पीओडी इंक्यूबेटर शेकर है, इसमें वो फ्लास्क जाएंगे और शेक होगा. दिस इज अवन. आगे कौन सा रूम है बाकी? ऑटोक्लेव रूम है. यहाँ से पैक होने के बाद ये ऑटोक्लेव रूम है जहाँ पे की चीजें सारी ऑटोक्लेव होंगी. ये लैब बन रही है ना, ये कंस्ट्रक्शन है. अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है सारी चीजें. और इसके बाद ये अवन है. और यहाँ से बॉक्सेस बन के यहाँ आएंगे और कूलिंग रूम है. बॉक्स बनने के बाद यहाँ पे आएंगे, कूल डाउन होंगे. इवन यूवी में आपका स्टेरिलाइज दोबारा से होंगे. फिर यहाँ से दीदी अंदर आ जाओ. अच्छा, यहीं से अंदर है? हाँ, यहाँ से नहीं, आगे से लिए. फिर यहाँ से ये इनोकुलेशन रूम है. इस रूम में ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे इनोकुलेशन होगा. यहाँ से ग्रोइंग रूम में जाएंगे, यहाँ पे इस साइड से उनको बुला कर इनोकुलेशन के बाद ये आपका ग्रोइंग रूम है. ग्रोइंग रूम वन एंड ग्रोइंग रूम टू, ये दो ग्रोइंग रूम्स है. और ये है स्टॉक रूम, आपका स्टोरेज के लिए है. आप देख सकते हो कि कॉर्डिसेप्स का स्टोर रूम भी कितना क्लीन होता है. यहाँ पे सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखेंगे, जितने भी हमारे प्रिपरेशन मटेरियल्स हैं, हमारे सप्लीमेंट्स हैं और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर करेंगे यहाँ पे. ये ग्रोइंग रूम है. ग्रोइंग रूम वन, वो ग्रोइंग रूम टू है. हम लोग ग्रोइंग रूम वन के अंदर एंटर कर रहे हैं. मनन अभी इसे खुला रखना है ना, पेंट की स्मेल है. यूवी स्टेरलाइज करने वाला एरिया जो है. और जब हम यहाँ एंट्री करेंगे तो एंट्री करने से पहले ये डोर वन डोर टू है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड एयर बिल्कुल भी लैब के अंदर ना आए. और ये चेंजिंग रूम है, इस रूम में चेंज करेंगे अपने क्लोथ्स वगैरह जो भी आप पहन कर आए हैं, यू विल चेंज हियर. साथ में आपकी जो भी लैब की ड्रेस है, क्योंकि सी ये यूवी रूम वन, ये यूवी रूम है, आपकी लैब की ड्रेस यहाँ डायरेक्टली यूवी में स्टेरिलाइज होंगी. ठीक है, तुम लोग काम करते रहो. खोलो ये एग्जॉस्ट, चलाओ. जनरेटर भी है, जनरेटर भी साथ उधर लगाया हुआ ना. जनरेटर हमारे पीछे है. हाँ, यहीं से इसको बस करके लाइटिंग से लगाना है.
गुड दो महीने रहने का फायदा तो हुआ, अपने कॉमन सेंस चलाया। लेकिन दैट इज नॉट गुड फॉर क्रॉप दीस फ्यूम्स ना, जो प्रेशर आएगा या तो स्टार्टिंग में ही लगा दो, क्योंकि मैंने एक देखा जो ऊपर जब एज लगते हैं ना उनका, तो जो उसका मेन